नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बारिश को लेकर। बिहार में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से पूरे प्रदेश में उमस के साथ गर्मी की चपेट आने की संभावना जताई गई है। बता दें कि प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में सुबह सुबह हवा चलने के कारण मौसम सुहाना हो गया, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि दिन चढ़ने के साथ साथ प्रदेश में गर्मी और उमस में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तेज़ हवा को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि शाम होते होते उमस में थोड़ी राहत मिलने वाली है। गुरुवार को हुई बारिश से पूरे दिन के तापमान में कमी देखने को मिली। बता दें कि इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में तेज़ हवा चली। बता दें कि इस दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन के तापमान में कोई खास बदलाव तो नहीं रहा, लेकिन हवा से सुबह और शाम में थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर है। इधर मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार उत्तर पश्चिम व उत्तर मध्य बिहार तथा दक्षिण पूर्व बिहार के एक से दो स्थानों पर और उत्तर पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली और बादल गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देर शाम तक यहाँ बारिश होने की पूरी उम्मीद जताई गई है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि राज्य में कहीं भी उत्तर भागों में और पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रवाह चल रहा है। बता दें कि इस दौरान हवा की रफ्तार 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की बात कही गई है। इसके साथ साथ पूर्वी और पश्चिम में एक टर्फ रेखा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तक मध्य बिहार होते हुए गुजर रही है, जिससे मौसम में बदलाव आ रहा है। यही वो कारण है जिसके कारण प्रदेश में इन दिनों मौसम के हालात जो हैं वो बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि प्री मानसून में बारिश का प्रभाव थोड़ा कम है। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान दिन और रात के तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन राहत की बात यह है कि इसके बाद से दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने इस मौसम में लोगों को सेहत को लेकर सावधान रहने की बात कही है, लेकिन अब जिस तरह से एकाएक अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, बारिश और उसके बाद गर्मी और फिर उमस की जो स्थिति है, इसको लेकर डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश से कई लोगों की जान चली गई। बता दें कि इस दौरान 25 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। तेज आंधी और कुछ देर बाद हुई हल्की बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। बता दें कि इस दौरान कई जगहों पर ओले भी गिरे। बता दें कि विभिन्न जगहों पर हुई आंधी पानी से 25 से 27 लोगों की जान चली गई। जान जाने वालों में मुजफ्फरपुर के 5, भागलपुर से 4, लखीसराय और सारण से 3, मुंगेर में 2, जमुई बेगूसराय बांका पूर्णिया नालंदा जहानाबाद और अररिया में एक एक लोग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस आंधी पानी के कारण कई जिलों में कच्चे मकान गिर गए, तो वहीं किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। इस दौरान मौसमी फल में आम लीची मक्का और सब्जी की फसलों का खासा नुकसान हुआ है। तो एक तरह से कहें कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस दौरान गर्मी तो रहेगी रही, साथ साथ उमस की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। तो ऐसे में आने वाले दिनों में हमें यह देखना है कि कब तक जो है ये प्री मानसून रहता है। उसके बाद हमें यह देखना है कि जैसे ही मानसून सक्रिय होगा तो बिहार में झमाझम बारिश होने की पूरी बात जो है मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।